हार्दिक पांड्या संग नताशा का नहीं होगा अब तलाक। क्या दोनों के बीच की अनबन हो गई है खत्म? क्या नताशा ने कर लिया है कॉम्प्रोमाइज? दरअसल तलाक की खबरों के बीच नताशा स्टैनकोविक ने अपने पति और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ शादी की तस्वीरों को रिस्टोर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी अफवाहें चल रही थी कि दोनों अलग हो गए हैं। ये तब शुरू हुआ जब एक यूजर ने पोस्ट करके लिखा, नताशा ने इंस्टाग्राम पर अपने नाम से पांड्या हटा लिया है और हार्दिक संग शादी की तस्वीरें आर्काइव कर ली है। यूजर ने आईपीएल मैचों में नताशा के एक भी मैच में न आने की तरफ इशारा किया। ये खबर हर तरफ फैल गई कि हार्दिक पांड्या से वो उनकी संपत्ति का कुल लगभग 70% ले रही हैं। कपल ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी, जिसकी वजह से अफवाहों को और बल मिल गया। कई लोगों ने एक्ट्रेस नताशा को ट्रोल किया, क्रिकेटर के लिए सहानुभूति जाहिर की। अब तमाम अटकलों और ट्रोल के बीच नताशा ने अपनी शादी की तस्वीरें आर्काइव से हटा दी हैं। उनके पेज पर अब लोग आसानी से देख सकते हैं। करीब 5 दिन पहले सर्बियाई मॉडल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बांद्रा वर्ली सीलिंग पर ड्राइव का एक वीडियो भी शेयर किया था। लोगों ने और भी ज्यादा कयास लगाना शुरू कर दिया कि नताशा अकेली हैं। इसी तरह उससे एक दिन पहले नताशा ने एक और क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद से कयास का बाजार गर्म हो गया था। उसमें लिखा था, कोई सड़क पर आने वाला है। ये उस समय की बात है जब हर तरफ ये शेयर किया जा रहा था कि हार्दिक से नताशा ने 70% उनकी प्रॉपर्टी का मांगा है। दूसरी ओर पांड्या क्रिकेट और देश के प्रति अपने प्यार के बारे में पोस्ट करने में व्यस्त है। इन क्रिप्टिक पोस्ट ने लोगों को कहानियां बनाने का मौका दिया था, जिस पर अब नताशा ने शायद पूर्ण विराम लगा दिया है। नताशा और हार्दिक अपनी शादी में काफी खुश थे, लेकिन बीच में ऐसी खबर आई जिसके बाद से फैंस का दिल टूट गया। हार्दिक और नताशा 2020 में महामारी के दौरान अपने बेटे अगस्त्य पांड्या को जन्म देने से कुछ महीने पहले ही शादी कर लेते हैं। पिछले साल उदयपुर में एक भव्य शादी समारोह का आयोजन किया जाता है। इस जोड़े ने 3 दिवसीय शादी समारोह आयोजित किया था, जिसमें हिंदू क्रिश्चियन दोनों तरह की शादी रचाई गई थी, जिसके बाद से ये कपल नेशनल कपल बन गया था। हर फैन इनकी धड़कनों के साथ जुड़ा था। वहीं हार्दिक के तलाक की खबरों के पीछे उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई खबर नहीं थी। तलाक हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है तो क्यों हो रहा है? लेकिन अब नताशा ने इन खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया है।